हरी काका, ओ हरी काका, घर पर हो? हरी काका, कौन? बाप रे, वीरय ने सही ही कहा था, ये दिखने में भूत से कम नहीं है। मैं गोपाल हूँ, विनय का मित्र, वो कलकत्ते से। लेखक बाबू, आई 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 आई, मुझसे विनय बाबू ने कहा था, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। इम्प्रेसिव। आप ये क्या कह रहे हैं मालिक, अगर इतना भी ख्याल ना रखो तो कैसे चलेगा। सही है सही है। ऊपर वाली मंजिल में आपके लिए कमरा तैयार करके रखा है, चलिए आइए मालिक, आइए आइए। वाह, चलिए। काका, आपके हाथों में तो जादू है, खासकर इस देशी मुर्गे की ग्रेवी जो आपने बनाई है ना। आपको पसंद आई, यही बहुत है मेरे लिए। आप नहीं खाएंगे? आप पहले खा लीजिए। अच्छा, आप अकेले कैसे रह लेते हैं, आपको डर नहीं लगता? किसका डर? क्यों, भूतों का डर? मैंने तो सुना है कि ये मकान भूतिया है। इंसानों के रहते मैं भूतों से क्या डरूंगा मालिक, पर ऐसे ही एक शांत जगह है बस। अच्छा, आप लगभग कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ? अब हिसाब तो नहीं रखा है। हाँ, तभी ये मकान ऐसा नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था। उसके बाद एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई और ऐसी हालत हो गई मालिक। हाँ, वो कोई निखिल थे जो ये घर छोड़कर जाने के बाद गुम हो गए थे, उनकी बात कर रहे हैं ना? निखिल मतलब छोटे मालिक के बारे में पता है आपको? हाँ पता है, मतलब विनय ने बताया था। अच्छा, असल में हुआ क्या था? अब वो मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा, अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए मालिक। हाँ, ये आप ठीक ही कह रहे हैं, मुझे भी थोड़ी नींद सी आ रही है। चलता हूँ। मालिक, एक बात कहनी थी आपसे। कहिए। वो शाम को मुझे थोड़ा बाहर जाना है, वो कुछ जरूरी काम है, पर कल सुबह सवेरे ही मैं चला आऊंगा, इसलिए सिर्फ आज रात की आप वो आपको रात को अकेले रहना होगा, यही ना? इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पर सुबह जल्दी आ जाना काका, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आ जाना। जी जी हाँ, मैं चला आऊंगा, आप सिर्फ बाहर मत जाइएगा। हाँ, दरअसल आसपास की झाड़ियों में सांप, चूहे, छुछुंदर, ये सब है ना, बस इसीलिए बोल रहा। हाँ, वैसे भी आज अगर मैं सोया तो सोता ही रहूंगा, भूत भी बुलाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। आज इतनी जोर की नींद आ रही है कि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। सो जाता हूँ, कल से शुरू करूंगा। ऐसा लगा किसी चीज की आवाज थी। जाकर देखूं। नहीं नहीं नहीं, पर क्या जाना सही रहेगा, हो सकता है कोई चूहा हो। अब रहने दो, कल सुबह ही जाकर देखूंगा। नहीं, ये कोई चूहा तो नहीं लग रहा, लगता है चोर घुसा है। जाकर एक बार देखना ही होगा। कौन है आप? ये यहाँ कैसे आए? आप डरिए मत। पहले आप बताइए, आप अंदर कैसे आ गए? अजीब बात है, मेरे घर आकर मुझसे ही पूछ रहे कि मैं अंदर कैसे आया। मतलब? अरे, इतने उतावले हो गए तो कैसे सुनेंगे? देखिए, मैं निखिल हूँ, इस घर का मालिक।
निखिल, लेकिन आप तो कहीं घूम थे ना? महाशय, मैं इतने सालों से इसी घर में छुपा हुआ हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं ही अंधेरे में आवाजें निकालता हूँ, डराता हूँ भूतिया साबित करने के लिए, वरना इस मकान के दखल हो जाने की फिक्र होती है। ये क्या बात हुई? लेकिन क्यों? चलिए हम कमरे में जाकर बैठ कर बात करते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो समझ गया मैं, लेकिन आप इतने सालों से इसी घर में है, इस बात का पता हरी काका को भी नहीं चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हमारा ये मकान कितना बड़ा है वो तो आप देख ही रहे हैं, और फिर हरी ठहरा अकेला इंसान, उसकी नजरों से बचना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन उन्हें तो लगता है कि आप लापता हैं। जानता हूँ। तो फिर आपके रहते कोई इस मकान को कैसे हथिया सकता? दरअसल मैं घर छोड़कर चला गया हूँ, ऐसा लापता हो गया हूँ, ये रटाया गया है लोगों को। क्यों? तो फिर सुनिए, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस था, पिताजी के मरने के बाद मेरे भैया अखिल पर कंपनी चलाने की जिम्मेदारी आ गई। मैं हमेशा से ही इन सबसे बहुत दूर रहता था, मुझे भी आपकी तरह ही लिखने का शौक था। ओहो, पर ये आपको कैसे पता चला? ये जो टेबल पर आपकी डायरी और पेन रखी हुई है, और ऐसे भी मैंने हरी के मुंह से आपको लेखक बाबू कहते हुए सुना है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या अभी भी आप लिखते हैं या लिखना छोड़ दिया है? नहीं नहीं, वो तो मैंने काफी समय पहले ही छोड़ दिया है। असल में कंपनी के कामकाज के बाद ये सब नहीं हो पाता था। क्यों? कंपनी तो आपके भैया देखते थे ना? हाँ, पर कुछ सालों के बाद अचानक से एक्सीडेंट में भैया की भी जान चली गई, तब मैं बाहर रहता था। उसके बाद मुझे ही उसके बाद यहाँ लौट आने के बाद ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद, इस मकान और संपत्ति का इकलौता वारिस मैं ही था। मैंने तय किया कि बाप भाई के इस बिजनेस को मैं उनकी यादों की तरह ही संभालूंगा, पर मेरे इस विचार ने ही मेरी आंखें खोल दी। मतलब मैं समझा नहीं। एक दिन हिसाब मिलाते वक्त नहीं, 3 बार करने के बाद भी हिसाब सही नहीं मिल रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि दिनेश भैया ऐसा धत। अब ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं आज ही उनके घर पर अकेले में बात करूंगा। तो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? कुछ दिनों से मैं कंपनी का हिसाब किताब देख रहा था, अच्छे खासे पैसों का घोटाला हुआ है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मतलब? देखिए दिनेश भैया, आप मेरे भैया के मित्र हैं, इसलिए इस कंपनी के इकलौते अकाउंटेंट आप ही हैं, और ऐसे में आपने ही ये सब किया तो कहना क्या चाहते हो तुम? सारे रुपए मैंने चुराए हैं? मैं चोर हूँ? देखिए मेरे कुछ कहने से पहले ही आप सब कुछ खुद ही समझ गए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप सारे पैसे लौटाकर अपना इस्तीफा जमा कर दीजिए। क्या क्या कहा? पैसे लौटाकर इस्तीफा दूं? 2 दिन के लड़के, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं? देखिए अगर आपने रुपए नहीं लौटाए तो मुझे आपको मजबूरन पुलिस के पास ले जाना पड़ेगा, सोच लीजिए आप। क्या पुलिस की धमकी दे रहे हो? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, चलो जाओ। तो फिर ठीक। चलो जाकर, अब काम खत्म। अब अगर किसी ने पूछा तो कह दूंगा कि यहाँ निखिल का मन नहीं लग रहा था, इसीलिए कंपनी की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर चला गया है, और कहाँ गया है वो पता नहीं। वो जो पेड़ देख रहे हैं उसके पास ही दिनेश भैया ने मुझे दफना दिया था। हमारी संपत्ति और उस मकान का मालिकाना हक लेकर सबको कह दिया कि मैं लापता हो गया हूँ। इसका मतलब आप मर चुके हैं? हाँ। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप मुझे मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे, सबको बताएंगे कि असल में मेरे साथ हुआ क्या था। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ही पुलिस को बुलाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत आभार। मालिक, ओ मालिक, 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 ओ मालिक। ओ, तो क्या मैं सपना देख रहा था? ओह क्या अजीब सपना था, ओ मालिक, बिल्कुल सच्ची घटना हो। मालिक आपके लिए चाय लाया हूँ। हाँ रुकिए, आता हूँ। सुप्रभात काका। अरे आप कब आए? ए बिल्कुल सुबह सवेरे आया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना मालिक? नहीं 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 नहीं, सब ठीक है। अच्छा आप तब तक नाश्ते का इंतजाम करिए, मैं नीचे आता हूँ। अच्छा 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 ठीक है।
ये क्या? अरे ये क्या, यहाँ तो कल रात का पूरा सपना हूबहू लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब निखिल? नहीं 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 नहीं, हरी काका से कहकर एक बार वो मिट्टी खोद कर देखनी होगी। पुलिस को खबर करो हरी काका, कहानी अभी भी बाकी है।